जा रहे हैं स्कूल और आज से हमारे स्कूल खुल गए हैं। प्रिंस भी जा रहा है मेरे साथ में। फॉग हो रहा है बहुत ही ज्यादा, कितना फॉग हो रहा है देख रहे हो। ओह माय गॉड, रोड पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गई हूँ स्कूल से घर क्योंकि छुट्टी हो गई थी, मतलब कि टाइम पे आज छुट्टी हो गई थी और बच्चे बिल्कुल भी नहीं आए थे, बहुत कम आए थे, ना के बराबर बच्चे आए थे। क्योंकि ना आज सुबह मैंने दिखाया था कितना सारा फॉग हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो कम बच्चे आए थे। अब देखो अगर आज का मौसम ना ऐसे ही रहा तो हो सकता है कल की छुट्टी आ जाए, लेकिन नहीं आई तो फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने घर पे, छत पे थोड़ा सा अपना खाना वगैरह खाया था तो मैं नीचे खा के आ गई। हमारे गांव में हो रही है रामायण, ये देखो इधर से आवाज़ आ रही है। और आज ना सारे के सारे कपड़े धो दिए, मैं तो थी नहीं, मम्मी ने पापा ने दोनों ने मिलके सारे कपड़े धो दिए। मैं तो बोल रही थी ना आज वैसे ही कपड़े धो दिए, धूप भी निकल नहीं रही है, टाइम भी इतना हो गया कि बिल्कुल भी सूरज दिखाई दे ही नहीं रहा। अभी भी ना पीछे की साइड में ये देखो इधर को फॉग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो भाई कपड़े सूखने की वजह से मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, थोड़ा सा बस आके आधा घंटा रेस्ट किया था मैंने, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई ऊपर। और ये हो रही है ना रामायण, तो वहाँ पर हो रही है हमारे यहाँ दावत, तो दिव्यांश और उसके नाना जी मतलब कि मेरे पापा, तो वो लोग गए हैं दावत खाने के लिए। तो पापा बोल रहे थे कि जब तक ऊपर चली जाओ मैं खाना खा के आ रहा हूँ। मैं कि चलो ठीक है जाओ, फिर बाद में जाएंगे हम लोग तो लेट जाएंगे। तो मैं चलो थोड़े से कर लेते, हवा चल रही है ऊपर भी बहुत ज़्यादा। और देखो हमारा धनिया ना बिल्कुल भी नहीं निकल के दे रहा है ठंड की वजह से, पालक और धनिया मम्मी ने कर दिया था, लेकिन एक बार तो इसमें से हम लोगों ने पालक तोड़ भी लिया है, पराठे बना लिए थे डाल के उसमें आटे में, अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब मिलूँगी मैं आप लोगों को शाम को सीधा किचन में जाके, क्योंकि चाय वगैरह बने के उसके टाइम ही मिलूँगी। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, बस सुबह को गाड़ी से गए थे तो हवा तो वैसे भी कम लगी थी मुझे, क्योंकि पहले तो मैं ई रिक्शे से जाती थी ना तो और ज़्यादा हवा लगती थी चारों तरफ से गाड़ी में, फिर भी आज मुझे राहत मिली कि कम हवा लगी है। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू नहीं बोलूंगी क्योंकि इसका आधा पार्ट तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं और ये है उसका आगे का भाग। क्योंकि सुबह सुबह कल का तो मैंने बताया था कि हम लोग जाएंगे दावत खाने के लिए, तो वहां गए थे और दावत खाने के आने के बाद में भाई फिर ना आराम से हम लोग लेटे थे, फिर मेरा मन नहीं किया था वीडियो शूट करने का, तो इसलिए कल शाम का मैंने पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद फिर अभी मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो आप लोग देख रहे हैं इसको, तो ना
टाइम मैं आप लोगों को बता दूं तो सुबह के बजे हैं अभी 6:30। तो मेरे फेस से ही लग रहा होगा मेरी आंखें ना स्वेलिंग सी हो रखी है, क्योंकि सुबह ना एक तो इतनी सर्दी हो रखी है भाई, इतना जो सर्दी से हम लोग हो गए बहुत ही ज्यादा परेशान। तो मम्मी गई है आज दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास, इसलिए मैं जल्दी उठ रही थी, वरना मैं इतनी जल्दी कहाँ उठती हूँ। तो मम्मी के लिए अपना पराठे वगैरह बनाए थे, नाश्ता वगैरह बनाया था, वैसे तो मम्मी ने नाश्ता बना लिया था तो पराठे रह गए थे वो मैंने कर दिए, बर्तन मैंने अभी साफ कर दिए हैं। तो मम्मी जा चुकी है, पापा उनको गए हैं छोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ का बस सारा ये सारा काम कर लेती हूँ। बर्तन साफ हो गए, झाड़ू लगाना है मुझे, पोछा लगाना है, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये काम मेरा बचा है, खाना तो मैंने पूरा बना दिया है, अपना भी बना के रख दिया थोड़ा सा, और मैंने मम्मी अपना रख के ले गई है, क्योंकि ना वो पूरा दिन लग जाता है फिर उनको आने में। उनको पता ही है कि आप लोगों को ना उनका स्वेलिंग, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम है। तो लेकिन हाँ आप लोगों को बता दूं कि अभी 90% उनको आराम है दवा से, तो इसलिए ना दवा भी तो कंटिन्यू चलेगी, स्वेलिंग में भी आराम है और पैरों के दर्द में भी उनको आराम है, बहुत आराम है। तो ये कि फिर भी यह कि डॉक्टर ने बोला है कि ये अभी दवा आप लोगों को ना कंटिन्यू रखनी है, तो इसलिए वो गई, उनको हो गया समथिंग 2 महीने तो उनको दवा खाते खाते हो गई, लेकिन दवा अभी और चलेगी, आराम है, कोई दिक्कत नहीं, दवा चलती है तो चलने दो, लेकिन ये क्या आराम तो मिल रहा है। इतनी सारी दोगे की दवा खा ली थी, उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। तो चलो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, पापा दूध लेके आ गए थे, चाय नाश्ता मैंने हो गया, चना की चाट बना के रख दी थी मम्मी ने, चाय के साथ में मैंने भी खा ली। दिव्यांश अभी सो रहा है अपने रूम में, तो बस जल्दी जल्दी फटाफट काम कर देती हूँ आने से पहले तक। तो झाड़ू मैंने ना सारे में लगा दी है, और किचन में और इधर की साइड में मैं लगा देती हूँ पोछा, बाकी का फिर बाद में करूंगी जब अच्छे से धूप निकल आएगी तब। तो किचन में और पूजा स्थल में वो सारी चीजें लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी है फिर नहा के, तो इसलिए इसमें ज्यादा जरूरी है।
मैंने कर दिया अपने किचन का और घर का पूरा काम, तो फैन मैंने ऑन कर दिए जिससे कि ना सारा का सारा ये सूख जाएगा। बिंदी लगाई थी कुमकुम की और बेकार हो गई। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ नहा के आने के बाद।